हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है एसएम्स किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए हांडी मटन की रेसिपी लाई हूँ। ये मटन अपने फ्लेवर के लिए पॉपुलर है। इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल मटन से, और इसको ऑथेंटिक मिट्टी के हांडी में बनाया जाता है। और हम भी यहाँ मिट्टी की हांडी का यूज़ किए हैं इसकी यूनिकनेस को लाने के लिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे एक एक स्टेप आपको समझ में आए। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हांडी मटन के लिए हमने यहाँ पे 400 मटन लिया है। यहाँ 2 कटे हुए टमाटर है, और यहाँ हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को काट के रखा है। ये बारीक काट के रखा है हमने। यहाँ एक मीडियम साइज़ की लहसुन की कलियों को हमने छील के रखा है। यहाँ 1.5 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने ले रखा है। यहाँ स्वाद के अनुसार नमक है। यहाँ थोड़ा हमने घी ले रखा है। हांडी मटन के लिए घी की ज़रूरत होती है। यहाँ साबुत मसाले में हमने 2 तेज पत्ते ले रखे हैं, 1 लहसुन ले रखा है, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, और हम यहाँ पे दालचीनी, लगभग ये 2 दालचीनी को हमने तोड़ रखा है, और करीब 4 लौंग लिए हैं, और ये सूखे मिर्च को भी हम ले रखे हैं 2। सूखे मसाले में हम गरम मसाला लिए है, ये 1/2 छोटी चम्मच है। जीरा पाउडर लिए है, ये करीब 1 छोटी चम्मच है। हल्दी पाउडर 2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 2 छोटी चम्मच। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट के इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मतलब टोटल हम 5 प्याज लिए हैं। देखिए, हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। इससे क्या होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है हांडी मटन का, और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम मटन में बाकी जो 4 प्याज कटे हुए थे उसको हम डाल देंगे। ये टमाटर भी हम डाल देंगे। एक एक करके हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। ये हमने लहसुन को डाल दिया है, ये अदरक और हरे मिर्च का पेस्ट भी हम डाल दिए हैं, ये थोड़ा नमक हम स्वाद के अनुसार ये भी डाल दिए हैं। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, 2 तेज पत्ते डाल देंगे, और बाकी जो साबुत मसाला है वो हम बनाते टाइम डालेंगे। अब हम सूखे मसाले को इसमें डाल देंगे। गरम मसाला छोड़ के हम बाकी सारे मसाले को इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसमें हम तेल भी डालेंगे थोड़ा, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और जो फ्राई वाला प्याज था जिसको हम ब्लेंड किए हैं उसको भी हम डाल देंगे, और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और तेल हम डाल देंगे इसमें और थोड़ा, ज़रूरत के हिसाब से। इसको मिक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। अब हम मिट्टी के हांडी में घी लगा लेंगे अच्छे से। देखिए, हमें चारों तरफ घी लगा लेना है इस तरह से। अब हम एकदम लो फ्लेम में उस हांडी को थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा और घी डालेंगे। अब हम इसमें 2 सूखे लाल मिर्च डाल देंगे, और बाकी जो साबुत मसाले हैं उसको भी डाल देंगे हम, और थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे इसको। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, पूरा प्रोसेस लो फ्लेम में ही होगा। अब मिक्स किए हुए मटन को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसको ढक के करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे लो फ्लेम में। और आधे घंटे बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। देखिए, मटन पानी छोड़ने लगा है। अब हम इसको थोड़ा और मिला लेंगे और ढक देंगे फिर से। अब ये प्रोसेस हम 15 मिनट बाद करेंगे। 15 मिनट बाद हम फिर से देखेंगे। देखिए, मटन का कलर चेंज हो गया है। देखिए, हमारा मटन बॉयल हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो हमारा हांडी मटन बनके तैयार हो गया है।
ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये हांडी में बनता है। इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत ही यूनिक आता है। आप प्लीज़ इसको ट्राई करके हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।